In this question, we are given that mod of z equal to 2 and w equal to z plus 1 upon z minus 1. Now we have to find product of maximum and minimum value of magnitude of w, right? तो mod of z equal to 2 है, assume कर लेते हैं z equal to 2 cos theta plus iota sin theta, argument इसका हमने theta मान लिया, और magnitude of w is magnitude of z plus 1 upon z minus 1, और properties of modulus से इसको mod of z plus 1 upon mod of z minus 1 लिख सकते हैं. तो यहां से z प्लस 1 ये तो आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा इनटू आयोटा, और जो z माइनस 1 है दैट इज 2 cos थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा आयोटा, ये आ जाएगा. दैट मींस मॉड ऑफ जेड प्लस 1 इज अंडर रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, एंड मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इज अंडर रूट 2 cos theta minus 1 whole square plus 2 sin theta whole square. अब ये value यहाँ पे put कर दें, है ना, इसको simplify भी कर लेते हैं. तो यहाँ से आएगा 4 cos square theta 4 sin square theta, तो वो तो जाएगा 4, और यहाँ से आएगा 1, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, right? और यहाँ से term आएगी 4 cos theta, 4 cos square theta 4 sin square theta, 4 हो गया plus 1 तो 5 हो गया, और एक term आ गया अपने पास 4 cos theta. और इसको जब simplify करेंगे 4 cos square theta 4 sin square theta 4 और plus 1 which is again 5 minus 4 cos theta. So ये magnitude of w है, this is under root 5 plus 4 cos theta upon 5 minus 4 cos theta. इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. तो मान लेते हैं लेट t इक्वल टू मॉड ऑफ दैट मॉड ऑफ w स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए. सो t विल बी 5 प्लस 4 cos theta upon 5 minus 4 cos theta, cross multiply कर देंगे तो आ जाएगा 5t minus 4t cos theta equal to 5 plus 4 cos theta. तो यहां से जो cos theta की value आएगी, cos theta is 5 t minus 1 upon 4 t plus 1. अब cos theta कैसा है, minus 1 से 1, तो इसको यूज कर लेते हैं. So we have 5t minus 1, सीधे मल्टीप्लाई करके 5t minus 5 लिख देते हैं, 5t minus 1 5 upon 4t plus 4 is greater equal to minus 1, and
5t टी माइनस फाइव अपॉन फोर टी प्लस फोर इज लेस देन इक्वल टू वन. तो माइनस वन को इधर ले जाके जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 5t टी माइनस फाइव अपॉन फोर टी प्लस फोर प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो. तो वी हैव 4t प्लस फोर और जब एलसीएम लेके सिल्वाई करेंगे तो आ जाएगा 9t माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो. सो अब t की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव ही है सो वी कैन से t इज ग्रेटर इक्वल टू 1 बाय 9. और इधर से सॉल्व करते हैं तो वी हैव 5t माइनस फाइव अपॉन 4t प्लस फोर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो. तो इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो वी हैव 9t एंड माइनस नाइन. इस केस में सो लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव सो t इज लेस देन इक्वल टू वन. That means mod of w square belongs to 1 by 9 to 1. So magnitude of w belongs to the product of minimum and maximum value of mod w is 1 by 3. This is the answer.